धनबाद पुलिस लगातार वाजिदपुर के फरार स्वयंभू गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। ताजा घटनाक्रम में धनबाद पुलिस ने उसके लिए पैसों का आदान प्रदान करने वाले यूपी गाजियाबाद के रहने वाले वीर सिंह नामक युवक को गोविंदपुर से गिरफ्तार किया है। उक्त शख्स के पास से करीब 40 अकाउंट का ट्रांजेक्शन करने के पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। वहीं करीब 65 दिरहम दुबई करेंसी नगद भी बरामद की गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस खान के नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी ग्रुप में यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले वीर सिंह की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से विदेशी ट्रांजेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। वह दो बार दुबई भी जा चुका है। इसके रिश्तेदार सहित अन्य लोगों के नाम पर खाते में पैसों का लेन देन हुआ है, जिसका संचालन यह स्वयं करता था। साथ ही उन्होंने व्यापारियों से चौकन्ना रहने और किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को जानकारी पुलिस को देने की अपील की है, ताकि प्रिंस खान पर शिकंजा कसने में तनिक भी देर ना हो। बताते चले कि प्रिंस खान के लिए ट्रांजेक्शन करने वाले कई लोगों को धनबाद पुलिस ने पूर्व में भी गिरफ्तार किया है। अब तक करीब 100 खातों को फ्रीज किया जा चुका है। फिर भी पुलिस का यह भी दावा है कि बहुत जल्द प्रिंस खान के नेक्सस को तोड़ते हुए उस पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके अपराध कर्मियों के साथ साथ जो इसका फाइनेंशियल ट्रैक है, इसका जो पैसे का लेन देन होता है या पैसे किस प्रकार से दुबई तक जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने प्रॉपरली ट्रैक किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका जो फाइनेंशियल ट्रैक को मैनेज करने वाला बंदा है ये पकड़ा गया है। इसका नाम वीर सिंह है, ये गाजियाबाद का रहने वाला है और इसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में करीब 40 ऐसे अकाउंट खुलवाए थे, जिसके थ्रू ये उससे से कुछ अकाउंट से ये जो क्रिमिनल्स जो घटनाक्रम को अंजाम देते थे उसको ये पैसे देता था, और कुछ अकाउंट्स का जो ट्रांजेक्शन है वो दुबई शारजा में इसका लगातार हुआ है, जो अभी तक हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में मिला है। तो हम लोगों ने अभी इसके जो जो कुछ अकाउंट्स हैं उसका सारे डिटेल्स प्राप्त किया है, क्योंकि ये कल ही पकड़ा गया है। बाकी फर्दर हम लोग इसके अन्य अकाउंट्स, टोटल 40 अकाउंट ऐसे पता चले हैं जो इस ऑर्गेनाइज गैंग के दिए ये 40 अकाउंट खोले गए थे, जिसका ये विभिन्न नामों से अपने कई रिलेटिव्स के नाम से, अपने दोस्तों के नाम से इन्होंने खुलवाया। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आदमी है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में उसकी मदद करता था। हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। ये गाजियाबाद का रहने वाला, इसका नाम पूरा नाम वीर सिंह है। पिछले कुछ दिनों से जब हमने इसका जो पिछला फाइनेंशियल ट्रैक वाला बंदा पकड़ा था, उसके बाद से ये काम शुरू किया था। लेकिन जो इसकी जो ये पिछले एक महीने में दो बार दुबई भी गया है, इसके पास हम लोगों ने करीब 65 दिरहम भी पकड़े हैं। अभी तक जो पता चला है, करीब जो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन अभी तक लिया है उसमें से करीब 30-35 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अभी देखा है। बाकी अन्य जो भी इसके अकाउंट है उसका भी सारा डिटेल्स लिया जा रहा है, और हम इसको बताएंगे। गिरफ्तार तो हम लोगों ने यहीं से किया है, लेकिन ये बंदा दिल्ली में रह करके सारा काम, इसके और भी जो अभी हम लोग इसका जो टोटल ट्रैक है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक हमारे जो एसपी, दोनों एसपी हैं, दोनों एसपी के साथ साथ हमारे जो डीएसपी अरविंद हैं, अमर हैं, वो भी लगे हुए हैं। पूरी एक टीम हम लोगों ने इसमें लगा रखा है, और जो इसका ताकि जो भी फाइनेंशियली जहाँ जहाँ इसका इसकी पकड़ दिखाई पड़ेगी वहाँ पर हम लोग इसके लिए। अभी बताया ना, करीब 40 अकाउंट के आसपास इसने बताया है, 17 अकाउंट हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, बाकी अन्य अकाउंट भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो आज हथियार, ये टोटली फाइनेंशियल काम करता था, उसके पैसा ट्रांजेक्शन, हाँ, इसके पास से करीब 65 दिरहम बरामद हुआ है जो दुबई का है। तो इसके जो ट्रैवल हिस्ट्री में पिछले दो बार ये, पिछले महीने दो बार ये दुबई भी इसका जाना दिखा है। बाकी अन्य चीज हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। सर दिरहम अब नहीं, वर्तमान में तो ये जो अभी दिख रहा है, अभी जो बातचीत में लगा है, ये प्रिंस के लिए काम कर रहा है। बाकी अन्य और किसी के लिए काम करता था, नहीं करता था, ये फर्दर इंस्टीट्यूशन, ये मोस्टली दिल्ली में रहता था। धनबाद में जब अभी जब स्थिति काफी
जब डमाडोल हो गई है तो ये फिर मैनेज करने के लिए यहाँ आया था। इसमें हम लोग हम लोगों ने ऑलरेडी करीबन 100 खाते फ्रीज किए हैं उसके, पिछले जो फाइनेंशियली एक्टिव लोग थे उसने पकड़े थे, तो उसमें करीब 100 खातों का हम लोगों ने किया था, जो खासकर दुबई में काम करने वाले मजदूरों के रिलेटिव है उनके थ्रू ये पैसा मंगाता था, तो उसमें करीब 100 ट्रांजेक्शन 100 खातों के द्वारा हुआ था जिसको हम लोग ने फ्रीज किया है। अभी हम लोग इसके संबंधित जो खाते हैं जो एक्चुअली में जो प्राइम मनी था, प्राइम मनी का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको फिर हम लोग सारा वेरीफाई करके सभी को ट्रांजेक्शन को सभी खातों को सील करेंगे। ये तो पक्का है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग वहाँ के सरकार से संपर्क में हैं, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू भी वहाँ की सरकार से संपर्क, तो जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर डायरेक्शन करेगी उस हिसाब से हम लोग उसमें पता लगा। हाँ अभी वर्तमान में तो वही है जो अभी तक हम लोगों को सीखना है। इसमें एक और चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने इसके कई शूटर्स को और अब तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाले लोग हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो अभी अब